हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, अपना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी चल रहा था सब्जेक्ट, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका आर्च और लिंटल। हालांकि ये दोनों जो टॉपिक हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होने की वजह से इनको अपन साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो है आपका, ये पार्ट वन है। इसमें हम दोनों जो आर्च और लिंटल है इनके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी को करेंगे। इसके बाद जो पार्ट टू होगा, इसमें जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अपने क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन और जो कुछ फॉर्म क्वेश्चन है उनको अपन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन आपसे बोला जा रहा है, द इंटरनल कर्व ऑफ एन आर्च इज टर्म एज। तो देखिए, आपसे बोला कि जो इंटरनल कर्व होता है किसी आर्च का उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये फिगर है अपना, एक आर्च है जिसका ये मैंने आपको फिगर बता रखा है, और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास टेक्निकल टर्म दी हुई है, ठीक है ना। टेक्निकल टर्म मीन्स ये जो आपके पास पर्टिकुलर चीज़ को शो करने वाली चीज़ होती है, लाइक इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वो आपको सब बताया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, इस फिगर को मैं अगर आपको पूरा समझाने बैठूंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जिस जिस चीज़ का जिक्र होता जाएगा मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा है इंटरनल कर्व। तो देखो, इस फिगर में ये आपके पास आर्च है, ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास आर्च है। अब इस आर्च में ऑब्वियस ही बात है दो टाइप के कर्व आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक इसका अंदर वाला कर्व और एक इसके बाहर वाला कर्व, ठीक है ना। तो अंदर वाला जो कर्व होता है, क्योंकि इसमें दो कर्व दिख रहे हैं ना आपको, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, तो जो अंदर वाला कर्व होता है या जो इनर कर्व होता है उसे बोला जाता है इंट्राडोज, ध्यान रखना। और जो आउटर कर्व होता है उसे बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा डोज। एक्स्ट्रा डोज का एक और नाम होता है, इसे अपन बैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा डोज जो होती है उसे अपन बैक भी बोलते हैं। तो अंदर वाला कर्व आपका इंट्रा डोज, बाहर वाला कर्व आपका एक्स्ट्रा डोज, क्लियर है ना। एक बात और, अगला क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा हुआ है, जो अंदर वाली सरफेस होती है आपकी, ध्यान रखना अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो इंटरनल सरफेस होती है आपकी उसे बोलते हैं सॉफिट, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सॉफिट, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो इंटरनल कर्व है आर्च का उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा इंट्राडोज, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दो में आपसे बोला जा रहा है द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड। तो आपसे अंडर सरफेस के बारे में पूछा गया है। अब तो अंडर सरफेस जो होती है, अंदर वाली सरफेस जो होती है उसे अपन सॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक बात और कि यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन में चारों चारों ऑप्शन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे सॉफिट आपको पता है, लेकिन हॉन्च और बैक क्या होता है ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में पता लग जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से चला तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये दो तीन बातें हैं आपकी। बात आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक टर्म मिल जाएगी, तो आप ये मत सोचना कि भाई हॉर्न्स बैक क्या होता है ये आपने नहीं बताया, तो ये आगे दो तीन क्वेश्चन बाद आपको पता लग जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक बात और कि देखो, इंटरनल कर्व को क्या बोला मैंने, इंट्राडोज बोला, और इंटरनल सरफेस जो है उसे मैंने सॉफिट बोला, ठीक है ना। हालांकि एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक अपन कर्व को बता रहे हैं, एक अपन अंदर वाली सरफेस को बता रहे हैं, लेकिन कई बार इनको सेम मीनिंग के लिए यूज ले लिया जाता है, कई बार इनको सेम मीनिंग के लिए यूज ले लिया जाता है, ठीक है ना। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाएगा इंट्राडोज और सॉफिट, तो कई बार इनको एक से ऐसा मीनिंग में यूज ले लेते हैं, कई बार इनको अलग अलग मीनिंग में यूज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या बोल रहा है, इन आर्च एंड लिंटल बैक इज द। तो बैक मैंने आपको बताया था कि भाई जो आउटर कर्व होता है हमारा, जो हमारा आउटर कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डोज बोलते हैं, और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, बैक होता है, ठीक है ना। तो बैक क्या हो जाएगा आपके पास, पहली बात हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्च, नहीं, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है एक्स्ट्रा डोज पे, ये बात और देख लो, ये जो एक्स्ट्रा डोज है इस पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को तो अपन क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए गलत। बी ऑप्शन देखें, अपर सरफेस ऑफ एन आर्च, सरफेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अपर सरफेस को क्या बोलते हैं, छोड़ो उसको, अंडर सरफेस ऑफ आर्च, अंडर सरफेस को क्या बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना, सॉफिट, कई बार इसको बॉटम भी बोल दिया जाता है। और डी ऑप्शन है आपके पास, आउटर सरफेस ऑफ आर्च रिंग, ठीक है। तो देखो, आर्च रिंग क्या होती है, ये भी ये छोटी छोटी टर्म है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, इसलिए मैं हर एक चीज को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो एक बनी हुई होती है आपके पास, ठीक है ना, ये जो आर्च बनी हुई है इसमें जो मेजनरी लगी हुई है एक रिंग की फॉर्म है, उसे ही आर्च रिंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैक के बारे में पूछा, तो बैक क्या होगा कि भैया मेरी जो आर्च रिंग है उसका जो आउटर कर्व है उसे क्या बोलेंगे, अपन बैक बोलेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात पल्ले पड़ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर अपना जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंजिंग लाइन
एंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। तो यहाँ पे इसने मुझसे पूछी है डिस्टेंस किस किस के बीच की, एक तो स्प्रिंजिंग लाइन और एक हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इनर कर्व, तो दोनों को अपन समझते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास रही आपकी एक आर्च, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्प्रिंजिंग लाइन को समझते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ से आर्च स्टार्ट हो गई और ये जो दो आपके पास सपोर्ट लगे हुए हैं इन्हें बोला जाता है एब्यूटमेंट या पियर। देखो अगर आपके पास एंड वाले सपोर्ट हैं, लाइक ये पहला पहला इधर वाले एंड का और लास्ट वाले एंड का, तो एंड जो सपोर्ट होंगे उन्हें तो बोला जाएगा एब्यूटमेंट, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होंगे उन्हें बोला जाएगा पियर। क्लियर है। अब देखो यहाँ तक आपका क्या चल रहा है, आपका यहाँ तक सपोर्ट चल रहा है। इस सपोर्ट के बाद आपके जो भी पार्ट हैं कंस्ट्रक्शन के, जो भी पार्ट आप लगा रहे हो मेसनरी के पार्ट लगा रहे हो, वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अगर एग्जांपल लो स्टोन का, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला वाला स्टोन रख दिया, सबसे पहले वाले स्टोन का ब्लॉक रख दिया, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले वाला स्टोन का ब्लॉक होता है उसे बोला जाता है स्प्रिंगर, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो ये जो दो आपको दिख रहे होंगे जिनको मैंने रेड किया है, इन्हें क्या बोला जाएगा, स्प्रिंगर। और जो बाकी ब्लॉक हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो जितने भी सारे ब्लॉक हैं आपके, उन्हें बोला जाता है वॉसोयर्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है वॉसोयर्स। क्लियर है, ठीक। इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग ही थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन जो सारे के सारे आपके पास ब्लॉक हैं उन्हें वॉसोयर्स बोला जाएगा, और जो एंड वाले होते हैं उन्हें स्प्रिंजर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंजर का ये बॉटम पार्ट और इधर वाली स्प्रिंजर का ये बॉटम पार्ट, ठीक है ना, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं अपन स्प्रिंजिंग लाइन, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंजिंग लाइन हो गई और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा इनर कर्व का टॉप पॉइंट हो गया ये रहा, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं अपन राइज। क्लियर है, इसे बोलते हैं अपन राइज। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि भैया स्प्रिंजिंग लाइन और इनर कर्व का हाईएस्ट पॉइंट, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसे बोला जाएगा राइज, ठीक है ना। इंट्राडो जो जानते हो, स्पान जो होता है दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, और थिकनेस आगे समझ लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द बॉटम हाफ पार्ट ऑफ आर्च बिटवीन क्राउन एंड स्क्रू बैक इज कॉल्ड। तो अब इन दोनों चीजों को भी समझो कि क्राउन और स्क्रू बैक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं क्राउन तो बता चुका हूँ शायद, कि जो आपके पास आर्च रिंग है उसका जो टॉप पॉइंट होता है, ठीक है ना, या अपर मोस्ट जो पॉइंट होता है, अपर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे अपन क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये देखें यहाँ पे, ये जो जहां से स्टार्टिंग होती है आपकी, जहां से आपके ब्लॉक्स की स्टार्टिंग हो जाती है, लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां से मैंने जो मेरी आर्च है उसको बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। यहां से इस पार्ट से मेरी आर्च बनना स्टार्ट हो गई। तो स्क्रू बैक और क्राउन के बीच की क्या पूछी इसने, हाफ बॉटम डिस्टेंस, मतलब ये हाफ टॉप डिस्टेंस हो गई और ये हाफ बॉटम डिस्टेंस हो गई। तो इस हाफ बॉटम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हॉन्च। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इसे बोलते हैं अपन हॉन्च, ठीक है ना। हाफ किसकी बात हो रही है, ओनली हाफ बॉटम की हो रही है, हालांकि यहाँ पे इसको ज्यादा दिखा रखा है, लेकिन स्क्रू बैक और क्राउन के बीच की जो हाफ बॉटम डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं अपन हॉन्च, ठीक है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन जो है आपके पास क्या पूछा हुआ था, द बॉटम हाफ पार्ट ऑफ आर्च बिटवीन क्राउन एंड स्क्रू बैक, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा हॉर्न्स, ठीक है ना। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला हुआ है, इन आर्च और लिंटल सॉफिट इज द, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास सेम है कि सॉफिट क्या है। तो सॉफिट में आपको बता चुका हूं क्या होता है, मेरे पास जो अंडर सरफेस होती है, अंडर सरफेस जो होती है आर्च की, उसे अपन सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंडर कर्व होता है उसे अपन इंट्राडोज बोलते हैं, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंडर कर्व जो है, कर्व को तो बोला जाएगा इंट्राडोज, ठीक है ना, और अंडर सरफेस जो है, इस अंडर सरफेस को बोला जाएगा सॉफिट, या कई जगह इसका नाम होता है बॉटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे सॉफिट के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन देखें आप, अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे चलने की जरूरत है नहीं, अपने को सब कुछ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन आर्च और लिंटल आर्च रिंग इज द, तो देखो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आर्च रिंग क्या होती है आपकी, ये जो मेजनरी के ब्लॉक से जो आपकी आर्च बनी हुई है, ठीक है ना, यही क्या है आपकी आर्च रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेजनरी में आपकी कुछ भी हो सकती है, स्टोन हो सकता है, ब्रिक हो सकती है, वुड हो सकता है, आरसीसी हो सकती है, व्हाटएवर, ठीक है ना, क्लियर। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आप आउटर रिंग बोलते हो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा,
कर्व रिंग ऑफ मेजनरी फॉर्मिंग एन आर्च, दो मेजनरी की जो कर्व रिंग है जिससे अपनी आर्च बन रही है, ठीक है ना, जिससे कि आपकी आर्च बन रही है, जैसे कि ये जो आर्च है ये किससे बन रही है, मेजनरी की एक रिंग से बन रही है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही अपन आर्च रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसे ही अपन आर्च रिंग बोलते हैं। क्लियर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में है आपके पास, अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड, तो वही बात आ गई आपसे, क्या बोला कि एक सर्कुलर कोर्स, कोर्स क्या होती है वो तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना, जो अपन एक लेयर लगाते हैं इमेजिनरी की उसे कोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक कोर्स जो है वो कैसी है, सर्कुलर है, या आपकी कर्व कोर्स है, ठीक है ना, तो इस कर्व कोर्स को क्या बोला जाता है, इसे अभी मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं अपन, आर्च राइज बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, सॉरी आर्च रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द ब्रेथ ऑफ एन ओपनिंग विद कवर्ड बाय एन आर्च इज कॉल्ड, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये एक सपोर्ट और ये एक सपोर्ट, ये दो सपोर्ट हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है वही आपकी ओपनिंग होगी, ठीक है ना, वही क्या होगी, आपकी ओपनिंग होगी। आप ऐसे मानो कि ये पूरा के पूरा मकान बना हुआ है, ठीक है ना, इस मकान में ये दरवाजा है आपके पास, ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो गए, आर्च के सपोर्ट हो गए, और ऊपर से क्या कर रखी है मैंने, आर्च प्रोवाइड करवा रखी है, तो भाई इसके बीच का जो ओपनिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्पान, उसे बोलते हैं अपन स्पान, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपके पास स्पान। क्लियर। विद डायमीटर बेस कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपके पास नंबर 11, वो क्या है, इन आर्च द बॉटम मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट एट बोथ एंड इज कॉल्ड एट, तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो आर्च होता है उसका जो बॉटम मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे एक सेकेंड, जो आपके पास बॉटम मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाएगा, स्प्रिंजर बोला जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्प्रिंजर बोलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्राउन जो होता है वो टॉप पोस्ट होता है, क्लोजर यहाँ पे कोई यूज नहीं होता, क्लोजर ब्रिक में यूज आता है, बियरिंग आपकी यहाँ पे यूज नहीं आती, तो आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द आर्च सपोर्ट बाय लोड मेनली बाय, अच्छा द आर्च सपोर्ट द लोड मेनली बाय, तो जो लोड होता है आपके पास उसको किस तरीके से सपोर्ट करती है, तो आप सभी को पता होगा आर्च के स्टार्टिंग पार्ट है कि थ्रस्ट के फोर्स फॉर्म में क्या करती है ये, उसे सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द डेप्थ ऑफ एन आर्च इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो देखो इसको भी मैं आपको फिगर में ही बता देता हूँ, यहाँ पे देखें ये जो आपके पास एक्स्ट्रा डोज है और ये जो इंट्रा डोज है इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आर्च की डेप्थ बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, आर्च की डेप्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था कि डेप्थ क्या होती है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन इंट्रा डोज एंड एक्स्ट्रा डोज। क्लियर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज यूज फॉर मेजनरी इन आर्च, तो देखो आर्च में जो मेजनरी होती है, यहाँ पे जनरली स्टोन मेजनरी की बात की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टोन मेजनरी की बात कर रहे हैं, तो स्टोन मेजनरी में जितने भी जॉइंट होते हैं मैंने आपको सारे के सारे बताए थे A to Z, ठीक है ना, आपको मैंने बट जॉइंट, डोवेल जॉइंट, टेबल जॉइंट, रिबेटेड जॉइंट सारे बताए थे आपको मैंने, ठीक है ना। अब जो आर्च होती है उसमें अपन रिबेटेड जॉइंट यूज करते हैं। रिबेटेड जॉइंट क्या होता है, इस तरीके से आपके पास एक स्टोन है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डाउन दे देते हैं और यहाँ पे आपका दूसरा स्टोन क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह का जो जॉइंट बनता है आपके पास उसे बोलते हैं अपन रिबेटेड जॉइंट, ठीक है। अगर आपको जॉइंट के बारे में नहीं पता है तो स्टोन मेजनरी वाली वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, ठीक है ना। तो जो आर्च होती है उसमें अपन यूज करते हैं रिबेटेड जॉइंट को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपके पास, इसमें बोला हुआ है द आर्च शोन इन फिगर इज, तो ये आपको जो चित्र में आर्च दे रखी है किस तरह की है, ठीक है ना, तो देख लो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्च है आपकी, ठीक है, इसकी स्प्रिंजिंग लाइन यहाँ पे हो जाएगी, इसकी स्प्रिंजिंग लाइन जो है यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये जो एक सेगमेंट लिया हुआ है ये क्या है, एक पर्टिकुलर कर्व का सेगमेंट है, इसका जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा नीचे आएगा, ठीक है, वो आपका बहुत ज्यादा नीचे आएगा। तो ऐसी आर्च जिसमें कर्व का एक सेगमेंट यूज लिया हुआ हो और जिनका सेंटर स्प्रिंजिंग लाइन से नीचे हो उसे क्या बोलते हैं अपन, सेगमेंटल आर्च बोलते हैं, उसे अपन सेगमेंटल आर्च बोलते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्च क्या होती है, इस तरह की होती है जिसमें एक ऊपर सेमी सर्कल लगा हुआ होता है और यहाँ आपके सपोर्ट होते हैं, ठीक है। हॉर्स शू क्या होती है, जो आपका हॉर्स होता है इस टाइप का, उसका जो शू होता है उस टाइप की एक आपके पास आर्च होती है, ठीक है, इनको आप देख लेना,
फिगर में देख लेना, गूगल जो क्रोम गूगल करके आप इनके फिगर देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जब अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपकी जो थ्योरी पार्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का वो स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से, तो वहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में बता दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन कराते टाइम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ आर्च मेड बाय फाइनली ड्रेस स्टोन इज नोन एज। तो आप सभी को पता है अगर फाइनली ड्रेस स्टोन लगे हुए हैं तो वो किस टाइप की मेजनरी होती है, वो आपकी एसलार मेजनरी होती है। अगर आर्च है उस मेजनरी से बनी हुई तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, एसलार आर्च बोल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टू हिंज आर्च इज हिंज एज। तो जो टू हिंज आर्च होती है आपके पास उसे कहाँ हिंज करके रखते हैं, तो आप सभी को पता है ये अगर मेरे पास सेंटर सपोर्ट है, ठीक है, ये आपके पास टू इंच आर्च है, ठीक है ना, तो कहाँ पे सपोर्ट होगी कहाँ पे हिंज होगी, ऑब्वियस सी बात है जो स्प्रिंजिंग है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास बी ऑप्शन बोथ एट स्प्रिंजिंग पे ये क्या हो जाएगी, आपकी हिंज हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द राइज ऑफ द इन्वर्टेड आर्च इज अबाउट ऑफ स्पान। तो देखो सबसे पहली बात तो इन्वर्टेड आर्च क्या होती है, देखो आपकी जो नॉर्मल आर्च होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है ना, जो आपके पास नॉर्मल आर्च होती है वो इस तरीके से होती है, उनमें जो आर्च वाला पार्ट होता है वो आपका ऊपर होता है। लेकिन अगर इसे मैं उल्टा कर दूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो इस तरीके की जो आर्च होती है इसे बोला जाता है इन्वर्टेड आर्च, इसे बोलते हैं अपन इन्वर्टेड आर्च, ठीक है। इसका यूज कहाँ आता है, अब देखो ओपनिंग में तो इसका यूज आएगा नहीं, ठीक है ना, तो इन्वर्टेड आर्च जो होती है इसका यूज आता है आपका कई बार फाउंडेशन में, ठीक है ना। आपने देखे होंगे जो गांव में या डाणियों में छोटे छोटे नाले बने होते हैं उनके ऊपर जो ब्रिज बनाया जाता है वो इस तरीके से ही बनाया जाता है, उसमें जो फाउंडेशन होता है उसमें इन्वर्टेड आर्च का यूज करते हैं, देखा होगा आपने, खूब देखा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। या आपने जो हैवी लोड के जो मकान होते हैं बिल्डिंग होती है वहां भी इन्वर्टेड आर्च का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड आर्च में जो राइज होता है, ठीक है, इन्वर्टेड आर्च में जो राइज होता है वो उसके स्पान का 1/5 से 1/10 यूज किया जाता है। जो राइज है आपका वो क्या होगा, 1/5 से 1/10 ऑफ स्पान, याद रखना फिक्स है ये चीजें, ठीक है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राइज ऑफ जैक आर्च इज कैप्ड अबाउट। तो जो जैक आर्च होती है उसका भी आपको याद कर लेना, जैक आर्च में जो आपके पास राइज होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी 1/8 to 1/12 ऑफ स्पान ऑफ, और एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ तो 19 क्वेश्चन चल रहा था। तो जैक आर्च में जो आपके पास राइज होती है वो क्या होती है आपकी 1/8 to 1/12 ऑफ स्पान, ठीक है ना, याद रखने वाली चीजें हैं ये, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका उसमें क्या बोला गया है, आर्च में फेल बाय। तो फेलियर किस तरीके से हो सकता है आपके पास आर्च का, पहला दिया हुआ है आपके पास क्रशिंग ऑफ द मटेरियल। तो जो मटेरियल मैंने आर्च बनाने में यूज किया है, लाइक आपने ब्रिक यूज की है, अब ब्रिक की जो आपके पास परमिसिबल कैपेसिटी है वो भाई 20 Nm/mm² है, अगर उससे ज्यादा आपके पास लोड आ जाएगा तो आपकी ब्रिक जो लगी हुई है आर्च में वो ब्रेक हो जाएगी, उसका क्रशिंग हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ब्रिक फेल हो गई तो आपके पास आर्क फेल हो गई, तो आपके पास मटेरियल के क्रश होने से भी आर्क फेल हो सकती है। दूसरा देखिए, स्लाइडिंग ऑफ वन बॉजोयर ऑन अनोदर। तो आपके पास ये जो ब्लॉक लगे हुए होते हैं, ठीक है, आर्च में जो ब्लॉक लगे हुए होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, वॉजोयर बोला जाता है। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी आर्च है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी भी आपके पास करेक्ट। थर्ड देखिए, अनइवन सेटलमेंट ऑफ एब्यूटमेंट्स। एब्यूटमेंट्स मीन्स जो उसके सपोर्ट हैं, ठीक है ना, जो उसके सपोर्ट हैं। अगर इस तरीके से आपके पास आर्च लगी हुई है और इनमें जो सेटलमेंट हो रहा है वो अनइवन हो जाता है, मतलब एक सपोर्ट आपके पास ज़्यादा सेटल कर गया दूसरा कम कर गया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, अनइवननेस आ जाएगी और जो मेरी आर्च है वो फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास सी भी सही, तो आपका डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो भी तीनों कंडीशन दी हुई हैं उन तीनों में आपकी आर्च क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यहाँ से आपके पास लिंटल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आपसे पूछा गया है, ब्लैंक है आपके पास, सपोर्ट द मेजनरी इन ओपनिंग ऑफ डोर एंड विंडो। और क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, यहाँ भी आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इज अ बीम दैट सपोर्ट द ब्रिक वर्क ओवर ओपनिंग ऑफ डोर विंडो एंड पासेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 भी देखें, अ लिंटल इज अ। तो देखो लिंटल क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ, कि आपने देखा होगा
कि आपके पास जो डोर एंड विंडो होते हैं, लाइक ये मेरे पास ऐसा मानो ये मेरे पास सपोर्ट है साइड का, ठीक है ना, और मुझे क्या करना है यहाँ पे एक ओपनिंग बनानी है। तो एक तो तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे आर्च बना दूँ, एक तो तरीका हो सकता है मेरे पास यहाँ पे कि मैं आर्च बना दूँ इस तरीके से, लेकिन आर्च में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल बीम प्रोवाइड कर दूँ इस तरीके से, ठीक है ना, तो ओपनिंग तो मेरी अब भी बन गई, ठीक है। बस बात क्या है कि मेरे को इसका बहुत अच्छा व्यू नहीं आ रहा, एस्थेटिकल व्यू नहीं आ रहा इसका, ठीक है ना। तो आर्च तो एक इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है करो सरफेस, अगर मैं हॉरिजेंटल बीम प्रोवाइड करवा देता हूँ किसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब सपोर्ट आपका ब्रिक वर्क का हो स्टोन वर्क का हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल बीम प्रोवाइड करवा दी ओपनिंग पे, तो इस हॉरिजेंटल बीम को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लिंटल, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अपन लिंटल। तो लिंटल का यूज कहाँ आया, यूज आया आपके पास ओपनिंग प्रोवाइड करवाने में, जनरली छोटे वर्क में ये यूज ली जाती है, जैसे अपने पास डोर होते हैं विंडो होते हैं, ठीक है ना। डोर विंडो में अपन किसका यूज करते हैं, लिंटल का यूज करते हैं, देखा होगा आपने घरों में लिंटल ही लगी हुई होती है हर जगह, ठीक है, चौखट बोलते हैं चौखट, ठीक, क्लियर, जो चौखट बोल देते हैं इसके नीचे वाले पार्ट को, क्लियर। आगे देखिए, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है 21, इसमें क्या हो जाएगा, आपका लिंटल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लिंटल है वही क्या करता है, मेजनरी को सपोर्ट करता है ओपनिंग पे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, लिंटल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या बनेगा, लिंटल इज अ बीम दैट सपोर्ट द ब्रिक वर्क ओवर ओपनिंग ऑफ फ्लोर, ओपनिंग ऑफ डोर। तो ये आपके पास लाइक इस तरीके से है, ये आपका सपोर्ट, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है ना, ये आपके पास क्या लगी हुई है, लिंटल लगी हुई है। तो इस ओपनिंग के ऊपर जो भी ब्रिक वर्क हो रहा है उसका, तो उसका लोड आपका कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका लोड सारा के सारा किस पे आ रहा है, लिंटल पे आ रहा है। तो जो ओवरलाइंग ब्रिक मेसनरी है आपकी, ब्रिक वर्क है डोर के ऊपर जो है, उसको कौन सपोर्ट करता है आपका, लिंटल सपोर्ट करती है, और लिंटल से ये लोड इसके सपोर्ट में होते हुए कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन 22 का भी आंसर क्या हो जाएगा, लिंटल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या है, अ लिंटल इज़ अ, तो लिंटल क्या होता है आपका, एक बीम होती है, शॉर्ट बीम बोल सकते हैं आप उसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखें अगला आपके पास, द लिंटल आर प्रिफर्ड टू आर्च बिकॉज, तो आपकी जो आर्च होती हैं उनके कंपैरिजन में लिंटल को प्रिफर्ड किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा, ठीक है। तो देखो पहला है आपके पास, आर्च रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पान फॉर द ओपनिंग लाइक डोर एंड विंडो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे कंपेरिजन करके देखो, यहाँ पे मैंने आर्च बना रखी है, ये आपके पास आर्च है, ठीक है, ये आपकी आर्च हो गई, और यहाँ पे मैं इसी पर्टिकुलर केस में क्या बना देता हूँ, लिंटल बना देता हूँ, ये मेरे प्रोवाइड करवा रखी है यहाँ पे लिंटल, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके पास जगह ज़्यादा चाहिए इसको प्रोवाइड करवाने के लिए, तो हेडरूम टू स्पान रेशो आपके पास ज़्यादा चाहिए, तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, आर्च रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एबिटमेंट टू विदस्टैंड आर्च थ्रस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं आर्च बनाऊंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा मालताल मेजनरी लगानी पड़ेगी, ज्यादा लोड होगा, तो अगर ज्यादा लोड होगा ज्यादा वेट होगा उसका, तो उसके जो सपोर्ट होंगे एबिटमेंट जो होते हैं वो ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिएंगे, जबकि लिंटल के केस में एक छोटी सी बीम होती है आपके पास, तो उसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग एबिटमेंट नहीं चाहिए, तो आर्च जो होती है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग एबिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपका बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखें, आर्च आर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, तो सीधी सी बात है यार, अगर मुझे एक कर्व सरफेस बनानी है मेजनरी को यूज करके तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्या करना है, ये एक सपोर्ट रहा, ये एक सपोर्ट रहा, इन दोनों के बीच में एक बीम बना के रख दी, ठीक है ना, बीम बनाओ तो बीम बना दो, नहीं तो अपने जो पट्टी आती है नॉर्मली उसको रख दो, या स्टोन की एक लेयर आती है उसको रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होती है लिंटल को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना। तो इन प्रॉब्लम की वजह से ही क्या करते हैं, आर्ट्स की जगह लिंटल को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन लिंटल आर कंपेयर्ड विद आर्ट्स, तो कंपैरिजन चल रहा है दोनों का, लिंटल का और आर्ट्स का, तो अपने को यह बताना है कि दोनों में से गलत कौन सा है। तो ए ऑप्शन देखें, लिंटल आर्ट सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन, तो लिंटल और आर्ट जो है वो आपकी लगभग लगभग सिमिलर ही होती है, दोनों के जो यूज हैं वो लगभग आपके सेम ही है, ठीक है ना, दोनों के जो पर्पज हैं वो आपके सेम ही है, कंस्ट्रक्शन भी लगभग सेम है, बस वहां पे कर्व में जाती है और यहाँ पे आपकी हॉरिजेंटल जाती है। बी ऑप्शन देखें, आर्ट डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट टू विदस्टैंड द आर्ट्स क्रस्ट, तो भैया ये गलत हो गया, क्योंकि आर्ट जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड होता है वो आपका ज्यादा होता है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन देखें, आर्ट रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पान द ओपनिंग, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपके पास हेडरूम की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके पास ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है आर्ट्स में।
डी ऑप्शन देखिए, लिंटल ट्रांसफर द लोड वर्टिकली टू वॉल। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपके पास लिंटल लगी हुई है तो लिंटल का जो लोड आएगा वो आपके सपोर्ट पे वर्टिकली आएगा, वर्टिकली उसको ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। तो इसमें से ओनली आपका बी ऑप्शन गलत है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वुडन लिंटल। तो ऐसी लिंटल जो वुड की बनी हुई है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वुडन लिंटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वुडन लिंटल के बारे में कौन सा गलत है इसको देख लेते हैं। पहली बात, वुडन लिंटल कैन नॉट सपोर्ट हैवी लोड। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जो मेरे पास वुड यूज ले रहे हैं, वुड की स्ट्रेंथ ही RCC या मैजनरी से कम होती है, तो वो हैवी लोड को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकती। तो ये बात सही हो गई। ऑप्शन बी देखो आप, ऑप्शन बी है आपके पास, वुडन लिंटल आर वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन। गलत बात, कंस्ट्रक्शन में आपने रेयरली देखी होंगी कि वुडन लिंटल का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले की जो कंस्ट्रक्शन होती थी नॉर्मल, जो आपके पास घर वगैरह बनते थे वहां पे वुडन लिंटल यूज कर लेते थे क्योंकि इजीली अवेलेबल होती थी, ठीक है ना। ठीक, तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें वुडन लिंटल का तो कहीं नामो निशान भी नहीं होता, देखने को भी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपके पास बहुत ज्यादा भाई पैसा है तो आप सजावट के तौर पर इनको लगवा सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, वुडन लिंटल आर नॉट मच यूज। तो सही बात है, वुडन लिंटल को अपन यूज ही नहीं करते ज्यादा। डी ऑप्शन है आपके पास, वुडन लिंटल आर नॉट फायर प्रूफ। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आग लगी तो लकड़ी में ही सबसे पहले लगेगी, ठीक है ना। तो ये फायर प्रूफ भी नहीं होती। तो आपके पास इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है कि भैया वुडन लिंटल को कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज करते हैं, तो ये बात ही आपकी यहाँ पे गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द टाइप ऑफ आर्ट जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन लिंटल इज। तो जो आपकी वुडन लिंटल है अगर उसके ऊपर आपको आर्च का कंस्ट्रक्शन करना पड़ा तो इसमें आपकी याद रखना, इसमें की जाती है आपकी रिलीविंग आर्च का यूज, ठीक है ना। इसमें अपन करते हैं रिलीविंग आर्च का यूज। रिलीविंग आर्च क्या होती है, देखो एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। आप ऐसा मानो कि ये आपके पास ओपनिंग है, ठीक है, ये आपके पास ओपनिंग है, यहाँ पे आपने लिंटल यूज कर रखी है, यहाँ पे जो आपकी मैंने थोड़ी सी मोटी सी लाइन शो करी है ये आपकी क्या है, लिंटल यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। तो देखिए, आपकी जो वुडन लिंटल है उसके ऊपर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा हल्का सा, ठीक है ना। जो आपकी मेजनरी है उसको बनाया जाएगा और उसको क्या सी शेप दे दी जाएगी, एक आर्च की शेप दे दी जाएगी। उसे अपन क्या कर देंगे, एक आर्च की शेप दे देते हैं। इस टाइप की जो आपके पास आर्च होती है उसे बोला जाता है रिलीविंग आर्च, इसे बोलते हैं अपन रिलीविंग आर्च। देखो बाकी जो आर्च होती हैं उसमें आपका ओपनिंग की जो हॉरिजेंटल लाइन है और जो आर्च की इंटरनल लाइन है उसके बीच में ओपन स्पेस होता है, जबकि जो आपकी रिलीविंग आर्च होती है उसमें ओपन स्पेस नहीं होता, उसमें क्या लगी होती है, आपकी मेजनरी लगी होती है। ये क्या होता है, इनके बीच में फर्क होता है, ठीक है ना। तो वुडन लिंटल की अगर बात की जाती है तो वहां पे अपन रिलीविंग आर्च का यूज करते हैं, ठीक। आगे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो आपको मैं सारा जब पढ़ाऊंगा इसको, एक दो दिन में आपको बोला है मैंने कि स्टार्ट हो जाएगी इसकी थ्योरी सब्जेक्ट, जब बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, द फंक्शन ऑफ कोपिंग इज टू सर्व एज। तो कोपिंग का तो आप सभी को पता होगा, देखो स्टोन में आ गई है आपके पास, ब्रिक मेजनरी में आ गई, कोपिंग क्या होती है, जो आपकी जो वॉल होती है उसको या उसमें वाटर नहीं जाए उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर एक सरफेस प्रोवाइड करवा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम। तो डोम आप सभी को पता होगे, डोम आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो डोम की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए क्या करते हैं अपन, लाइटर स्टोन को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा स्टोन लगते हैं। अगर मैं हैवियर स्टोन यूज लूंगा तो हैवियर स्टोन यूज लेने से क्या दिक्कत होगी कि आपके पास सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ होगी या अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो हद से ज्यादा होगी, और जो डोम है वो हैवी वेट की वजह से टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो डोम में क्या करते हैं अपन, लाइटर स्टोन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन और है आपके, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं या कुछ ऐसे जो अपनी फैकल्टी हैं उन्होंने फॉर्म करे हैं, ठीक है ना, बनाए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हो गया आपका लगभग, अभी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन निपटा चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाए।